मन को एकाग्र करिए और भगवान में मन को लगाइए। कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी देव होती कपिल भगवान से कहती है कि प्रभु मन लगता नहीं है भगवान में, तो कपिल भगवान कहते हैं जबरदस्ती लगाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार लगाइए, मन को लगाइए। तो मन को एकाग्र करिए और तार का तार लगातार उस करतार से जोड़ने का प्रयास करिए। 2 मिनट के लिए तार का तार लगाइए जो आपकी श्वासों की तरंगे, श्वासों की माला तेरे नाम हे राम। तो श्वासों की माला का तार वायु के द्वारा अपने ठाकुर जी से मिलाइए। जब तार जुड़ जाएगा तो 3 घंटा बैठने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो भागवत भगवान की, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे सी गोपाल राधे, गोविंद राधे सी गोपाल राधे, गोपाल राधे सी नंदलाल तेरा पर्दा गवारा नहीं है।
कोई नहीं, सब तेरी पार्टी है। I don't know nothing, मैं कुछ नहीं जानता। पढ़े, लेकिन काज लोग पढ़ी है।
जब अंदर के बोलने से ही सब कुछ हो रहा है तो बाहर जाने क्या जरूरत है। लेकिन मैं तो समझता हूं बिना गेट के अंदर नहीं आया जा सकता राजा, जब तक एक गेट होना चाहिए। और गेट क्या है? एक दरवाजा। और दरवाजा कौन है? जहां श्री कृष्ण को भी 4 साल तक लाठी जी के यहां जाने का आदेश नहीं था। लाठी लाल तो तब बने जब आदेश हुआ था, नहीं तो बांके बिहारी भी किशोरी जी के महल में नहीं जा सकते थे। इंदु जी 4 साल तक बिहारी जी को बरसाने में लाडली जी के भवन में जाने का आदेश गोविंद को नहीं मिला। तो एक दोहा लिखा गया, दोहा आप सब जानते हैं, ओ वृषभान की लाडली वृषभान की लाडली कौन तपस्याती, तीन लोक 14 भुवन का मालिक तेरो आधीन। तीन लोक 14 भुवन का जो मालिक है वो तेरे दरवाजे पर आकर वो कर देता है। लाडली जी की कृपा कन्हैया पर भी नहीं बरसी पूरे 4 वर्ष तक। तो लाडली जी के जो गुरु जी हैं अपने शिष्य का आदान प्रदान गुरु कर सकता, लेकिन हर समय गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा मानता है लोगों का कि गुरु का नाम हर समय उच्चारण नहीं करना चाहिए नाम से। तो सुखदेव जी ने कहीं भी अपने गुरु जी का नाम उच्चारण नहीं किया। सीता जी ने कहीं अपने पति का नाम नहीं लिया पूरी जिंदगी, रामायण खोल लीजिए। और नाम किसने रखा शर्मा जी? पार्वती भैया ने। भगवान राम का नाम किसने रखा? पार्वती भैया। भगवान का जो नाम रखा गया है वर्जिनल, जैसे मान लीजिए पत्नी कुछ भी कहती है, टिंकू के पापा है, रिंकू के पापा है, फलाने पापा, ये ऐ जी सुनो जी, मतलब कुछ ना कुछ कह के बुलाती है, ऐसी है आपको भी बुलाती होंगी वैसी है। सबका है, पूरे संसार का, इसमें कहीं मैंने क्या ना कहा शास्त्र के विरुद्ध कहीं बात नहीं होगी, जो होगी शास्त्र के अंदर होगी, वो चाहे हंसी मजाक से हो तो भी प्रमाण मेरे पास है, मजाक का भी। ये कहा लिखा है? पार्वती भैया ने नाम रख दिया राम जी का, और वो नाम केवल 3 ही लोग जानते, सीता भैया, प्रभु राम, 2 लोग पहले जानते हैं, तीसरा कौन जानता है? जिसने रखा है यानी गौरा मैया। तब जब प्रभु राम सीता की खोज में हनुमान जी जाने लगे तो जितने भी बंदर वालू थे, जितने भी पदम आधार कितने थे, पदम 18 जूथम बंदर संख्या बताई, सबने सर झुका लिया। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, किसी को भी आशीर्वाद देते कहना चलते। लेकिन उसमें लिखा 5-6 पवन तने सिर नाव। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे गए, जब सब कोई चला गया, जैसे प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा बट गया हो और उसका चूरन बचा हो थोड़ा थोड़ा, जो छिलके बचे हो, कि ब्रेड पकौड़ा चला गया कोई बात नहीं, प्रसाद उतने दे दीजिए, बस प्रसाद उतने काफी। हनुमान जी पीछे गए, प्रणाम किया तो भगवान ने मुद्रिका दे दी किसको? राम जी को। समझना कथा को, प्रवेश द्वार बता रहा हूं, केवल गेट। मुद्रिका दिया और कहा इसको ले जाना, तो हनुमान जी बड़े खुशी से चले कि मुद्रिका मिलेगी सीता जी। रुको रुको हनुमान, रुको दूसरे की
सीता जी आपको देख भी लेगी तब भी विश्वास नहीं करेगी, आप कह दोगे राम जी से कहा से तब भी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि आदमी आदमी की दोस्ती अच्छी लगती है, लेकिन बंदर की आदमी की दोस्ती। अब जिसने कुत्ता पाल रखा है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो कुत्ते को नहीं पालता है उसके लिए ठीक नहीं। जैसे मैं कुत्ते को प्यार करता हूं और मैं कुत्ता बगल में आ जाए बड़ी दिक्कत होती है, और कई लोग सुलाते भी साथ में तो हमें क्या परेशानी है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो बता देता हूँ कि कुत्ते को रोटी देना खराब नहीं, कुत्ते को इधर उधर अच्छी तरह मारना बुरी बात है, लेकिन कुत्ते को बगल में सुलाना उससे बुरी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले आप भी हमारी कोई बोरन जैसे जामती की शादी हुई। मैं इसलिए कहा करता हूं शर्मा जी कहते कि महाराज आप जो बता देते हो मैं खोजता रहता हूं चैनलों में, ये रोज चैनल पे लगे रहते हैं बड़े बड़े ब्याज बड़े बड़े विद्वान। लेकिन अब उसमें लिखा जामती का विवाह हो गया, जामती जी आई। अच्छा मैं कैसे कैसे मान लू जामती का विवाह कन्हैया के साथ भारत की बिटिया खड़ी होगी तो ऐसे खड़ी होगी, ऐसे खड़ी होगी भालू की भालू कैसे खड़े हो। अब उसका कोई पूछे माई भाई कैसे इंट्रोडक्शन होगा बताओ हमें बताओ। उसके लिए अंदर गेट के पास प्रवेश करना पड़ेगा तब आएगा। तब भगवान ने कहा जाकर एक शब्द कहना तो पहचानेंगे। गौरा मैया ने नाम रखा प्रमोद जी, कहाँ रखा जनकपुरी में। तो भाई आपको याद है फिर भी मैं सुना देता हूँ। मनोज हिराज इंद्रि सोह आतंकवादियों के इलाके में
कथा सुनाई किसने? हनुमान जी। कहां बैठ करके? वृक्ष पर बैठ करके। अब कौन से वृक्ष पर? इसीलिए अशोक का पत्ता आम के पत्ते के बराबर होता है। अगर आपका पत्ता ना मिले तो अशोक के पत्ते को लगाते हैं। वहीं बैठ गए और सुनाई कथा। और जैसे कथा सुनाई तो कथा से भी अगर दुख दूर ना हो तो फिर श्री कृष्ण के नाम का क्या फायदा, क्या मार्ग है? जैसे सुनाई तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, कथा सुनी और दुख भगा। कहां पर? अशोक वृक्ष पर बैठकर कथा सुना रहे हनुमान जी। क्या कह रहे? राम चंद्र गुण वरण घेरा सारे घट जाते। श्री नाम किसका है पता है? राधा जी का। पूरी भागवत में राधा नाम नहीं है। और राधा नाम न लो किसी की भागवत पूरी हो जाए तो कहो क्यों? राधा के बगैर कृष्ण आएगी नहीं। राधा आराधते राधा, जिसका कृष्ण आराधन करते वो राधा। भागवत रसमालन, ये भागवत कौन है? राधा जी तो है। राधिलाल कौन है? राधा जी तो है। कृष्ण कौन है? राधा जी तो है। ये भागवत ही राधा जी, इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रस मालयम। ये पीने की कथा है साहब। खूब पियो, खूब पियो, मस्ती में पियो। राम कथा जीने की कथा, बड़ी मर्यादा। लेकिन कृष्ण कथा में सारा कुछ, रास विहार नित्य सब कुछ। कृष्ण कथा पीने की कथा है। पियो साहब। कैसे पियोगे? बोले मुहूर्त को, मुहूर्त 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 बार बार पियो, मुंह लगा करके पियो। कैसे? बोले एक ही आम है, आम का फल इसको चूस चूस के खाया जाता है जूठा करके। बोले मुहूर्त हो। कैसे? बोले रस का वो भाव का। रसिक बनोगे तब कथा समझ में आएगी, नहीं तो तीन महत्ता निकल समझ में नहीं आएगी। तो बोले श्री के कहे से लक्ष्मी की प्राप्त हो। बोले मां सुखदेव जी की जो गुरु जी है
वो किशोरी थी राजेश भैया, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया गुरु का, पूरी भागवत में राधा नाम है, अपने गुरु का नाम नहीं है। किससे संबोधित किया? श्री, श्री को कहा गया विभूषित शब्द। जैसे आपका नाम पूछा गया तो आप बताएंगे कि मेरा नाम राजेश बंसल है, और अगर आप कहते मेरा नाम लिखिए श्री राजेश बंसल, तो सामने जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कहेंगे पढ़े नहीं, वो क्या कहेगा, आप पढ़े नहीं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो स्त्री नहीं लगाएगा, क्या कहेगा, मेरा नाम लिख लो पूनम जी, मेरा नाम लिख लो इंदू जी, मेरा नाम लिख लो, स्त्री नहीं लगाएगा। और जो लिखने वाला है वो लिखेगा श्रीमती या श्रीमान राजेश बंसल, श्री विभूषित शब्द, श्री माने किशोरी जी, जहां श्री लग जाता है वहां लक्ष्मी की वर्षा होने लग जाती है, तो श्री माने किशोरी यानी लक्ष्मी जी, समझ में आ रहा है, लक्ष्मी जी माने रुक्मणी जी, रुक्मणी जी माने राधा, राधा माने धारा, समझ लो एक बार में समझ लो, धारा एक बह रही है कहा, यमुना जी की धारा बह रही, यानी भक्ति की धारा बह रही, धारा उसको उल्टा करो राधा, धारा उल्टा करो राधा, राधा की धारा पहुंची, अच्छा बहती जा रही तो वहीं तो रोकोगे, जैसे ये कथा चल रही है 7 बजे नहीं 8 बजा लो 9 बजा लो, लेकिन 9 बजे पता लगेगा कि सब चले गए, एक जगह कथा हो रही थी महाराज जी कथा सुना रहे थे, तो वहां पे सब लोग महाराज जी प्रसन्न हो गई, बड़ी भीड़ है, कथा लंबी चौड़ी सुना थी, और इतनी लंबी चौड़ी कि लोग धीरे धीरे उठ के चले गए, भाई 3 घंटा से ज्यादा क्या चले गए सब लोग। धारा माने राधा, एक धारा वही कहां रुकेगी, ए मन रुक, मन रुक, मन कथा कही तो रुको, रुक मन, इस मन को कहां रोकोगे, रुक मन, धारा रुक मन, रुक मन जहां बैठी वहां कौन बैठा है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो द्वारकाधीश से मिलना है तो धारा बहनी पड़ेगी और रुकमन तक जानी पड़ेगी, तब जाकर श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो श्री माने रुकमन, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने किशोरी, श्री माने जगत की नियंता, सर्व मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थ के शरण त्र्यंबके गौरी नारायण उमा रमा ब्रह्मानी, अम्बा कहो दुर्गा कहो काली भी वही है, और सिंह पर सवार शेरा वाली वही है, एक ही है जो ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाली, शंकर को भी उत्पन्न करने वाली, विष्णु को उत्पन्न करने वाली एक ही है, वो किशोरी जी है, जो ब्रह्मा को भी निमित्त करती है, निमित्त ब्रह्माया राम देवा अस्मदित पुरा, ब्रह्मा को निमित्त करती है, विष्णु को जज्ञायाम विष्णु, विष्णु को भी प्रकट करने वाली, और जज्ञान रुद्रा रुद्र को भी मनाने वाली किशोरी जी, तो तीनों को बना दी। तो श्री के कहे से लक्ष्मी की बात, श्री कहोगे तो लक्ष्मी मैया यानी राधा जी प्रसन्न हो जाएंगे, मां के कहे से मद सारे घट जाते हैं, मद माने घमन, जैसे मां नाम लोगे श्री मद भागवत महापुराण दूसरा अक्षर भागवत का, मां के कहे से मद सारे घट जाते हैं, और दा के कहे से दरिद्र को नाश, अगर आपके घर में दरिद्रता है, अब आप पूछे कि श्लोक कहां लिखा है, तो मैं इसी समय लिखा सकता हूं कि इसमें कहां लिखा है कि दरिद्रता का नाश होता है, दारिद्र क्षयी रोगी, महात्मा का 24वां श्लोक, दारिद्र क्षयी रोगी पापवान, पापी आदमी हो, दरिद्र हो, क्षय रोग हो गया हो, कोढ़ी हो गया हो, अगर भागवत को ध्यान से सुने, भागवत का जल, कलश का जल बढ़िया विद्वानों से पूजन करा के स्नान करा दिया जाए, कोढ़ी से कोढ़ी आदमी ठीक हो सकता है, इतनी सामर्थ्य है भागवत, भागवत कथा ऐसे नहीं हो रही, इस समय 13 से लेकर 20 तक जितनी कथा है मैं जानता हूं, कम से कम 4000 कथा तो प्रभु जी मेरे नाले में, कल
कलाकार को फोन करो, कलाकार कहता गुरु जी नहीं बस मैं अगली कथा गुरु जी को बुला लू। इतनी कथा है साहब 13 से 20 में प्रमोद जी, क्योंकि आप मैं जानता हूं आप वैसी तारीख रखोगे, क्योंकि तारीख जो आप निकालोगे भाई भी होगी उसी में शिवरात्रि भी है। अब देखिए मतलब कलाकार ब्राह्मण खाली नहीं चल रहे क्योंकि शिवरात्रि उसी के बीच में है, वो नियम निहित है। और कलाकार 13 से कम बहराइच के अंदर, ज्यादा नहीं तो 800-900 भागवत तो बहराइच के अंदर ढूंढा इस समय। अगर कुछ मिलता नहीं तो मंदिर में लोग क्यों जाते, क्यों कराते हैं भागवत? मिलता है साहब, सूरज टाइम से आता है, आप खाली टाइम से नहीं आते। चांद टाइम से आता है, आप टाइम से नहीं आते। बारिश टाइम से होती है, आप टाइम से नहीं आते। आप टाइम से भजन नहीं करते। धूप टाइम से निकलती है, हवा टाइम से चलती है, पर जीवन मरण टाइम से होता है, सब कुछ टाइम से हो रहा है। हम केवल बे टाइम है, बाकी सब ठाकुर के हाथ में है, सब टाइम से है, ये समझ लो। तो मां के कहे से मत सारे के कहे से दरिद्रन को नाश हो, भाग के कहे से भाग खुल जाते, भाग खुलते लगते केवल पसपाली भाग बोलो आपका भाग खुल जाए, केवल भाग बोलो, भाग रोज कह दो भा 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 भा। अब आप कहोगे भाग कहने से कैसे हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल प्रसन्न हो। एक पंडित जी के पास एक माता जी गई, हिंदू जी सुनिएगा ध्यान से, माता जी गई बोले प्रभु मुझे बहुत दुखी हूं कोई मंत्र बताए। तो पंडित जी ने कहा एक मंत्र जपो, असुर निकंदन कंस को भंजन देव की नंदन तव शरणम। अब माता जी के पति का नाम था देव की नंदन, पूनम जी इधर से कहो क्या नाम था पति का? देवकीनंदन। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, समझ में नहीं आएगी अगर आपका ध्यान लग रहा है। तो व्यास के करीब 20 आंखें होती है बोलो जैसे। देवकीनंदन नाम है किसका? पति देव का। अब कैसे पति का नाम ले? महाराज जी ने मंत्र बताया असुर निकंदन कंस को भंजन देवकीनंदन तव शरणम। गई बाला लेकर के और जंगल में पहुंची और भजने लगी, क्या कहती है? ऐसे कर लिया माला को तो कहती है असुर निकंदन कंस को भंजन चंपू के चाचा तव शरणम। असुर निकंदन कंस को भंजन चंपू के चाचा तव शरणम। लक्ष्मी जी निकल रही, बात सुनो, विष्णु भगवान बोले हाँ बोलो कि तुम चंपू के चाचा कब से बन गए? तो बोले मेरे भक्त है कोई मनवारी पुकारता, कोई बिहारी, कोई माखन चोर को रसिक बिहारी, कोई नटवर नागर पुकारता, कोई गोविंदा पुकारता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जाके पूछ लो खुद ही कि किसका नाम जप रही। पहुंची एक ब्राह्मणी का रूप बना करके, अब वो जप रही असुर निकंदन कंस को वंदन चंपो को जा चा तो असुर निकंदन कंस को वंदन चंपो को जा चा तो माता जी पहले तो रुकी नहीं, बड़े जोर से क्रोध आया कि माला जप रही उसको माता जी सुने क्या है? ये किसका नाम जप रही? बोले तेरे खसम का नाम जप रही। बोलो सांची दरबार किसका नाम जप रही? तेरे खसम का नाम जप रही होगा ना, खसम जैसे सुना बोली ये अरे ब्राह्मणी के रूप में भी पहचान गई उसको। दौड़ी गई भगवान के पास, वो तो मुझको पहचान गई, उसने कहा मैं तेरे खसम का नाम जप रही। और भगवान बोली विष्णु तो वो तो पहचानती ही पहचानती, मैं चंपू का चाचा भी हूं। कोई किस नाम से बुलाता है, कोई किस नाम से बुलाता है, तो जैसे आप भाग बोलेंगे आपके भाग खुल जाएंगे। इसलिए चाहे चंपू का चाचा सब शरणम का हो, चाहे देवकी नंदन तो शरणम का हो। अच्छा मैं अगर कुछ की प्रमाण दे दो प्रमोद जी, कुछ लोग सोच रहे हो प्रमाण दे देते तो बड़ा अच्छा था, तो प्रमाण ले लीजिए। भावों को भावो अनख आदर्श
hari govindam hari govindam hari govindam hari govindam बार बार क्यों कर्म में आता है, फिर मरता फिर आता है। तो कबीर दादी से पूछा गया, आप कुछ कहेंगे? कबीर दादी बोले, जो भी कहूंगा। मरना मरना सब कहे, मर न जाए कोई, मरना मरना सब कहे, मर न जाए कोई। कितना इतना पैसा है हिंदू जी, पूनम जी, कितना इतने लोगों के पास पैसा है, लेकिन आज तक एक भागवत नसीब नहीं हुई। धन वैसे वैसे रखा गया, बाबूजी चले गए। खाली हाथ आया मन, खाली हाथ जाएगा, माटी के पुतलिया तुझको ओस कर आएगा। खाली हाथ आया मन, खाली हाथ जाएगा, माटी के पुतलिया फंदे काम नहीं आएगा। माटी के पुतलिया तेनो ओस कद आएगा, माटी के पुतलिया तेनो ओस कद आएगा। ए पंजाबी हैगी थोड़ी समझ से आवे तो ठीक है, बोलो साची दरबार की, बोलो आके बिहारी लाल की। अब खाली हाथ आए चले जाना, भागवत बड़े नसीबों वाले को मिलती है, सत्संग बड़े नसीबों, मैं नहीं कह रहा हूं, 18 पुराण कह रहे, आपके भगवान कह रहे, श्री कृष्ण कह रहे। दुर्लभो मानसो देहा, मानव का शरीर दुर्लभ है। गोस्वामी से पूछा गया, व्यास जी ने कहा गोस्वामी से पूछा गया, आप कुछ कहेंगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगम गावा। देवता भी मानव को जीवन को तरसते हैं, उसमें क्या मिलना चाहिए? बोले बड़े भाग पायो सत्संगा, सत्संग मिल जाए साहब। तो ये कथा किसकी है पता? पूरी कथा में किस लोग लिखा है? सत्यम परम धीमहि, किसी ने पूरी भागवत लिखी हुई, किसमें? सत्यम परम धीमहि, सत्य पर ही लिखी है। सत्य क्या है? तुम्हारा पुराण का ये अर्थ है। आगे लिखा गया पहला श्लोक, श्री भगवान के मुखार से निकला नारायण की मुख से, सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यात तापत्रे विनाशा श्री कृष्णाय वयम सचित आनंद। अर्जुन भैया एक ही श्लोक लिखा गया पहले भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति सत चित और आनंद। इसकी व्याख्या शुकाचार्य जी महाराज ने किया, इसकी व्याख्या सौनक जी ने किया, इसकी व्याख्या मैत्रेय जी ने किया, इसकी व्याख्या विदुर जी ने किया, इसकी व्याख्या उद्धव जी ने किया, इसकी व्याख्या ब्रह्मा ने किया, इसकी व्याख्या सूत जी महाराज कर रहे हैं, और इससे पूर्व सबसे पहली व्याख्या मैं गोविंद की मुझसे क्या निकल रहा है? सत्य चित और आनंद। सत्य क्या है प्रमोद जी? सत्य क्या है? क्या ये बंगला सत्य है? ये गाड़ी सत्य है? ये धन सत्य है? आप नोट को कितना संभाल के रख लीजिए, इस पैसे को मैं नहीं खर्च करूंगा, पर कोई ऐसी ऐसी घटना घट जाती है जिससे उस नोट को भी निकाल के देना पड़ता है साहब। समय समय से होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय सबकी बदलती है, समय की आन ना बदले और ब्रह्मा जी के लिखने का कभी अनुमान ना बदले। समय के फेर से रख पर उदासी वन में डोले थे, समय ने नन को पीसा था हजारों कष्ट झेले थे। राजा नन पर जब समय आया उल्टा का,
तो कील जो होती है वो 9 लाख का हार निकल गई। और एक समय आया जब उसी गोटी ने 9 लाख का हार बदल दिया। ये समय था वही अर्जुन, मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। अरे भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ जमा के किसने बोल भी में मामूली दुबला पतला, एक थप्पड़ मारा 36-37 चक्कर काट करके पृथ्वी पर अर्जुन गिर पड़े। और बाण चला रहे हैं, बाण उठा रहे हैं, पर बाण चलता नहीं। लेख विधना का टलता नहीं है, बिन कृपा बाण चलता नहीं है। आज भगवान नहीं, भगवान की कृपा भी साथ में नहीं तो बाण नहीं चल रहा है। वही अर्जुन जिसके एक बाण से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था, लेकिन आज बाण नहीं चल रहा। एक कोल भील ने एक थप्पड़ मार दिया, 36 चक्कर काट के पड़े। तो दोहा लिखा गया कि मनुष्य बलि नहीं हो, ये मनुष्य निर्बल है, हम लोग निर्बल है, ये घड़ा है, ये तो टूट जाएगा, ये तो फूट जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक 7 दिन में छूट जाएगा। ओनली 1-7 days, 7 दिन। भागवत के दर्शन की इसीलिए रखी गई 7 दिन, जिंदगी के 7 दिन, 7 दिन का वार, सब कुछ साथ है। प्रिय भगवत सत्य वो था, सत्य वो है, सत्य वो रहेगा। नानक जी कहते हैं आद सत्य जुगाद सच, नानक ये भी सच, नानक है भी सच, सब कुछ सच है। वो जो था वो है, जो है वो था, जो है वो रहेगा। तुम ना थे ना हो ना रहोगे, आज नहीं कल चले जाओगे, कल नहीं परसों चले जाओगे। और इसलिए जीवन में सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन ये सब बेकार की बातें। साथ कितने दिन जियोगे बताओ? सतम रसायन जीवन सतम सरदार सतम, केवल 100 साल जियोगे, और 100 में कोई गारंटी 100 नहीं होगी। कोई भागशाली जैसे हमारे प्रमोद जी की माता जी, ऐसे भागशाली लोग 100 वर्ष तक जीते हैं। मैं तो देखता हूँ 60 वर्ष तक नहीं, 50, 60, 42, 45, 55 बहुत ज्यादा। तो 100 वर्ष में जियोगे, 25-30 साल पढ़ाई में चले जाते हैं, ना पढ़ाओ तब भी घूमने खेलने चले जाते हैं। शादी होगी उसके बाद तो अलमारी ढूंढो, बेड ढूंढो, कहीं सिलाई मशीन तो कहीं धनिया मिर्च आलू, उसी के चक्कर में 10 साल चला जाता। 50 हो गए साल, 5 साल कहीं किसी की रस्म पकड़ी चले गए, किसी की कथा चले गए, किसी के दुख सुख में चले गए। 5 साल, 5 साल अपने रिश्तेदारों के यहाँ लगा लो, 5 साल घूमना टहलना वृंदावन काशी मथुरा पारक और इधर उधर कचौड़ी पकौड़ी खाने, 5 साल ये लगा लो, साथ इसी में बीत जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं आता साथ। ब्यास जी कह रहे हैं इसलिए तू ना सच था ना है ना रहेगा, मैं सच था, मैं हूं, मैं रहूंगा। सबका निर्धारित समय 7 दिन की जिंदगी सबको मिली है, ये 100 वर्ष गलत है, 7 दिन की मिली। जिंदगी के हैं 4 दिन, मिलेंगे सिर्फ 2 दिन। किसी का हमारा आप 4-7 दिन है, फिर आप 4 पे आ गए, फिर कह रहे 2 दिन मिलेंगे, कह दो 1 दिन हमें कहा दो भी कहें। जिंदगी के हैं 4 दिन, एक बुजुर्ग की कहावत को कभी ने सत्य कर दिया, क्योंकि आपके हमारे दादा मामा बोलते थे कि 4 दिन की जिंदगी चांदनी है फिर अंधेरी रात, ये बोलते थे सब लोग बोलते थे। तो 4 दिन इसीलिए कहा, जिंदगी के हैं 4 दिन और मिलेंगे सिर्फ 2 दिन, 4 और 2 6। वो 2 दिन कौन से? एक सुख का एक दुख का, दिन सुख और
दुख का, ये कहां मिलते हैं राजेश भैया, ये कहां मिलते हैं? तो बोले स्वर्ग में मिलते हैं। तो बोले स्वर्ग कहां है? तो बोलो हमने तो देखा नहीं, किसी ने हमसे पूछा हमने कहा हमने देखा। आपने स्वर्ग देख लिया इतनी उम्र में? हम कहा नरक भी देखा। ये नरक कहाँ? हम कहा सर दिल्ली में भी, स्वर्ग भी दिल्ली। हम कहा स्वर्ग भी दिल्ली। कहाँ कहाँ है? हम कहा एक यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हो, 3 किलोमीटर दूर नरक 3 किलोमीटर यहीं से। अरे वहां पे वहां। हम कहा एक करीब 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, एक गुरु गोविंद सिंह 3 किलोमीटर वार्ड नंबर 44 में किसी की आंख निकाल करके प्लेट में रखी है और किसी का दांत निकाल करके आंख, किसी की दोनों किडनी निकाल करके प्लेट में रखी है, लेटा हुआ आराम से। बोले क्या है? हम कहा नरक। तो कहते स्वर्ग? हम कहा अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने परिवार के साथ आज सब लोगों ने रोटी खाई, इससे ज्यादा प्रमोद स्वर्ग कहाँ मिलेगा साहब? इससे ज्यादा स्वर्ग कहाँ मिलेगा कि आपके भाई बंधु आपके साथ खड़े होकर के भोजन कर रहे थे, पूरा परिवार आपका भोजन किया, इससे ज्यादा और सुख कहाँ मिलेगा साहब? यही है सुख, यही है स्वर्ग पूनम जी, यही स्वर्ग है। जितनी देर आप सुख के गीत गा लो वही सुख है। और तो बोले महाराज फिर खा लिए परिवार वाले तो सुख मिला? हमने कहा नहीं, किसी ने कहा था महाराज गाड़ी आ गई भगवान की बड़ी कृपा, घर बन गया भगवान की बड़ी कृपा है, लड़की की शादी आ गई हो गई बहुरानी आ गई बड़ी कृपा है, नाती पोता हो गई बड़ी कृपा। हमने कहा नहीं, कृपा कृपा तो तब है जो वो अपनी चरण में बिठा करके अपने नाम का गुणान दास सुनवावे, सत्संग सुनवावे। उसकी इतनी अच्छी कृपा है, उसकी इतनी करुणा है कि सबको उसके ऊपर कृपा करने वाले की ओर देखना चाहिए कि अब आपने मुझे कितनी कृपा की, कितनी करुणा की। तो सत्य मैं था, सत्य हूं, सत्य रहूंगा। तुम ना सत्य थे, ना सत्य हो, ना रहोगे। ये शरीर किसी काम का नहीं। तो बोले एक इसमें बैटरी भी है क्या? तो बोले नहीं, वो बैटरी वाला हिस्सा है। तो बोले इसमें इंजन फिट है? तो बोले कार है। तो बोले फिर और? तो बोले इसमें कुछ नहीं फिट। तो क्या है? बोले तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसके अंदर एक ज्योत जग रही है। कौन सी ज्योत? वही वाली हिंदू जी दीवे दिलो वांगू जिनड़ी का खेल में बुझ जाना दीवा जलो मुख जाना तेल में। इसमें एक दीपक जल रहा है साहब, और उसका नाम क्या है? राम। उसका नाम है परमात्मा। क्या नाम है? परमात्मा। वही जल रहा है, वही बोल रहा है, वही दौड़ रहा है साहब। मैं इस भजन को शर्मा जी जरूर गाता हूं, है कि नहीं? और राजे भैया को भी सुनाया था क्या? क्या जो चल रहा है वो परमात्मा, जो बोल रहा है वो परमात्मा। ये जुबान है किसी और की, उठाओ ये जुबान है किसी और की, यहां बोलता कोई और। कोई और
तुझे देखता कोई और, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहे ये संसार वाले चाह रहे पर कोई का मतलब नहीं। परमात्मा ये तो दे रहा हूं। गोपियां पहुंच गई भगवान के पास। भगवान ने पूछा स्वागतम महाभारत, आपका स्वागत तो है लेकिन अपने पत्नियों को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, सास रोटी खा रही थी उसको भी छोड़ के तुम आ गई, ससुर पानी मांग रहा था उसको भी छोड़ के आ गई, सबको छोड़ करके आप क्यों आ गए? तो गोपियों ने कहा सरकार कथा तो हम भी जानते हैं आपकी तरह, वेद तो नहीं पढ़े लेकिन आपसे कम कथा हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा प्रेम ही मेरी कथा है, मेरा वात्सल्य ही मेरी कथा है, मैंने आपसे प्रेम किया यही मेरी कथा है। एक आध तो कथा मैं आपको सुना चुका हूं, कन्हैया बोले सुनाओ। बोले एक पति और पत्नी आपस में खूब प्रेम करते, पति पत्नी का संबंध पता कैसे होता है? पति पत्नी का जो संबंध होता है वो इस भोग विलास के ऊपर होता है, उसको कहते संबंध, उसकी पराकाष्ठा अलग है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग को जानना कि मेरी फीलिंग क्या है, पति उसको समझ करे पति की फीलिंग क्या है उसको पत्नी से, दोनों का प्रेम जो विषय विकारों से भोग से दूर हो उसके ऊपर उठ करके हो, वो पति पत्नी का प्रेम है, वो सचित्र का प्रेम है। तो इतना प्रेम करती थी, पति जाने लगा तो कहा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, मैं आपके बाद बगैर जीवन कैसे बिताऊंगा। तो उसने एक अपने नवा चित्रकार था एक पुतला बना करके और उसको दे दिया, बोले इसी को अपना पति, तू मानना मुझको यही मानना। अब वो चला गया विदेश में कमाने के लिए और ये उसी को बोलती, टीका लगाती, स्नान कराती, जो भी था जैसे भी भोग लगाती, खूब सेवा करती, महाराज वस्त्र पहनाती, उसी को ही पति मान बैठी। एक वर्ष बाद जब उसका पति आया गोपियां कह रही उसका पति एक वर्ष बाद जब आया तो उस समय वो अपने पति की आरती कर रही थी, पति आवाज लगा रहा है पत्नी बोल रही है। तो कृष्ण से गोपियों ने कहा आप बताइए क्या उस पत्नी को जाना चाहिए कि वही रहना चाहिए, आपकी आरती माननी चाहिए जिसको उसने अपना पति मान लिया। तो कृष्ण मुस्कुराए, अरे सखियों इसमें कौन सी, तो सरल बात है जब उसका जिंदा पति आ गया तो उस मुर्दे की क्या आवश्यकता है, उस नकली पति की क्या जरूरत है जब उसका जिंदा पति सामने बैठा है। तो गोपियों ने कहा सारे ये जितने भी हैं ये सब मुझे छोड़ कर जाएंगे, एक आप ही हैं मेरे असली पति जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, उत्तर तो आपने दे दिया गोविंद, उत्तर तो आपकी जिज्ञासा पर है, आपने कह दिया कि उसको असली पति के पास जाना चाहिए तो मैं तो असली पति को वहीं रखूं। भगवान गोविंद की कृपा आप कर रहा, इसीलिए भगवान क्या है सच है, हम सब सच है। चित वृत्ति आप किस तरह भगवान को चाहते हैं ये आपकी टेंशन है, आपकी फीलिंग है, आप किस तरह चाहते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे मिलते हैं। अर्जुन ने जैसे चाहा अर्जुन को मिले, लेकिन सब गए स्वर्ग में नहीं गए नरक में गए, ना अर्जुन स्वर्ग गए ना भीम स्वर्ग में गए ना नकुल स्वर्ग में गए ना सहदेव, सबके सब नरक में गए। एक गया था युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग गए, क्यों सच बोलते थे,
अर्जुन भी नहीं गए, बताइए कृष्ण के साथ रहने वाला भी नरक में जा रहा है। रात दिन जिसके ड्राइवर भगवान हो, जिसके ड्राइवर भगवान हो, जिसके सारथी भगवान हो, जिसने काम क्रोध मद लोभ की लगाम ठाकुर जी के हाथों में दे दी हो, वो भी नरक में जा रहा है। जिस चाहत से आप ठाकुर जी को चाहोगे, उसी चाहत से ठाकुर जी चाहेंगे। अब आप पूछो किसका किसका प्रमाण आप दे दीजिए, तो ताली ऐसे बजाइए, बजाइए ऐसे थोड़ी, ऐसे तो मैं भी बजाता, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, बजेगी तो जब भक्त आगे नहीं आएगा तो मेरे ठाकुर कैसे आएंगे। तो जरा सा तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम चलने को तैयार हूं। तो मेरे आगे समर्पण कर, सारी दुनिया को तेरे आगे में झुका दूं, कहना है यार समर्पण होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक भक्त एक भगवान, इसीलिए दो ही चीज सब बनाई गई, दिन रात, सुबह शाम, नाक के छेद दो, मुंह के दो भाग, आंखें दो, हाथ दो, पैर दो, सब कुछ दो ही दो है, भक्त और भगवान दो। हाथ दोनों, तो दोनों से ताली बजेगी तभी श्री कृष्ण प्रसन्न। चित्त की वृत्ति तो वही चुरा सकता है, लेकिन कैसे आप चाहेंगे, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे, ये आप मन, मैंने पहले बता दिया, कपिल कहते हैं हे मां ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसको कहीं से भी ला करके गोविंद के चरणों, कहीं भटके भजन शुरू कर दो, कहीं भटके गीता पढ़ने लग जाओ, कहीं भटके रामायण पढ़ने लग जाओ, लेकिन आजकल रामायण कहा, सास की कमी बहुत थी, भाभी वो देखना रिमोट काम नहीं करता, तो सीधे वो ली नमकीन लेना, मुझे नमकीन जो इधर चली जाए। अगर इतना मन गोविंद पे लग जाए साहब, एंजॉय खूब करो, खूब देखो सुनो, इससे मतलब नहीं, लेकिन कितनी देर हम ठाकुर को दे रहे, 21,600 श्वास आपकी आती है, और आप दिल से कह दो अपने मन से कि आप 600 श्वास भी मेरे ठाकुर को देते हो तो मैं मान जाऊंगा। 21,600 श्वास है, 600 भी नहीं देते साहब, कर्जा चढ़ता जाएगा। एक बियाल लगता है खाली 5% 2%, और एक भाग बियाल लगता है, हमारे मैनेजर साहब कहते हैं कौन सा बियाल, चक्रवृद्धि ब्याह लगता है साहब, कि आप जो बोल रहे हो कि आपके श्वासों को उधार में दिया गया है, पूनम जी इन श्वासों को उधार दिया गया है, इनको आपको चुकाना पड़ेगा। 21,600 रोज उधारी के रूप में आपको दी गई है, एक एक श्वास पर क्यों भेजा गया। आप जब आने लगे तो गर्भ में आपने क्या कहा, पढ़िए गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय श्लोक नंबर 8, 9, 10, आपने कहा हे ठाकुर मेरे ऊपर कृपा कर, इस मलमूत्र इस विष्ठा में मैं बहुत दुखी हूं, अब मुझे गंध नहीं संभाली जाती, मैं इसके दंडों में से ठाकुर मुझे बाहर निकाल। गोविंद बोले क्या करेगा जाकर बाहर, कितनी बार तो जा चुका है, 83,99,999 बार तो जा चुका है, कभी छिपकली बना पता लगा, कभी सास को गाली दी, क्या जुआ बनती है, बोलते हैं कृष्ण पाठ करो, सब पढ़ लो कह रहा हूं, ना पढ़ो तो सुन लो, हाँ सास को कभी गाली मत दे, क्या बनती है खत्म कहानी, इतनी देर की कहानी, 83 लाख
99,999 बार तुम आ चुके, क्या करोगे? बोले मैं आपकी गोविंद जपूंगा, मुट्ठी बांध ली, राम नाम ले जा रहा हूँ भगवान ने किसी तरह प्रसूतो दुख दान पर दे दिया धक्का किससे प्रसूति पास जा प्रसूतो दुख दान क्योंकि दोनों जगह दर्द होता है मरते समय जितना दर्द होता है उतना दुख लोग सोचते मरते समय दुख नहीं होगा जैसे मर्जी मर जाऊंगा आएगी मौत चला जाऊंगा ना मरोगे नहीं इससे मारे जाओगे ये तुम सोच के मत रखना घर बना सकते हो पैसे से सुख खरीद सकते हो लेकिन मौत कैसे आएगी इसके इसको तुम नहीं खरीद सकते हो मौत आएगी किस तरह आएगी जैसा तुमने कर्म कर रखा है भागवत कथा मौत के भय से छुड़ाने की कथा है बस पूरी कथा कि मौत का भय कैसे दूर होगा जीवन तो अपने आप सुधर जाएगा साहब बचपना चला सुधर गया यवानी सुधर गई अब तो आपको मृत्यु को सुधारना है कि चारपाई पर मरेंगे कि अस्पताल में मरेंगे कि एक्सीडेंट से मरेंगे कि खाई में कूद के मरेंगे कि फांसी लटक के मरेंगे कैसे मरेंगे मरना सुधारना है मरना मरना सब कहे मरना जाने कोई एक बार ऐसा मरो फिर आवन नहीं हो एक बार मरो लेकिन मरो तो मरो 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 रोम 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 में राम उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा I'm